अस्सलाम वालेकुम। आज सबकी बहुत ही फेवरेट भिंडी फ्राई यानी भिंडी मसाला बना रहे हैं, जो खाने में बहुत ही मजेदार और टेस्टी बनती है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। भिंडी को आप इस तरीके से बनाएं, आपके घर वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर ये इजी सी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो होटल स्टाइल भिंडी मसाला बनाना शुरू करते हैं। भिंडी मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कप घी का लिया है, आधा हम पहले शामिल करेंगे और आधा बाद में। हमने घी लिया है, आप ऑयल भी ले सकते हैं। एक चम्मच हम जीरा ऐड करेंगे, हल्का सा हम जीरे को रोस्ट करेंगे। दो अदद हमने प्याज लिए, प्याज को हमने रफली कटिंग कर लिए। प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। दो मिनट पकाने के बाद प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो गए। एक किलो हमने भिंडी ली है, भिंडी को हमने इस तरीके से क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम भिंडी को भी फ्राई करेंगे। पांच मिनट हम भिंडी को फ्राई कर लेंगे। पांच मिनट हमने भिंडी को फ्राई कर लिए। अब हम भिंडी को बाउल में निकाल लेंगे। आधा कप हमने जो घी का बचा लिया था ऐड करेंगे। आधा कप के अंदर हमने भिंडी को फ्राई किया था, अब जो आधा बच गया है अब वो हम वो ऐड करेंगे। एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम आधा मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें जो मसाले ऐड करेंगे वो भी बहुत कम। नमक चाय का एक चम्मच, कुटी लाल मिर्च चाय का आधा चम्मच, सुरख लाल मिर्च चाय का एक चम्मच, हल्दी पाउडर चाय का आधा चम्मच। अब ये सारे स्पाइसेस हम ऐड कर देंगे। हल्का सा हम रोस्ट करेंगे। तीन से चार हरी मिर्चें लेंगे। एक मिनट हमने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें डालेंगे दो अदर टमाटर। टमाटर को हमने मिक्सी में डालकर प्यूरी बना ली है। अब मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे, तकरीबन तीन से चार मिनट। मसाले को हमने बहुत अच्छे से भून लिया है, ये देखिए ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अब हमने जो भिंडी फ्राई की थी वो डाल देंगे। अब हम भिंडी को अच्छे से भून लेंगे। तेज आंच पर हम तकरीबन पांच मिनट भिंडी को अच्छे तरीके से भूनेंगे। भिंडी तो वैसे भी गल चुकी है, लेकिन हम मजीद इसको पांच मिनट भूनेंगे ताकि जो थोड़ी बहुत कच्ची रहेगी वो अच्छे से गल जाए। जबरदस्त खुशबूदार भिंडी मसाला हमारा बनकर तैयार है। भिंडी बहुत अच्छे से गल चुकी है, ये आप देख सकते हैं। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और डिश आउट करेंगे। बहुत ही मजेदार टेस्टी
मसालेदार भिंडी बनकर तैयार है। इसका टेस्ट और मजे के तो क्या कहने। हमेशा की तरह रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ घंटी को भी जरूर प्रेस कीजिए और आज वीडियो को भी सिलेक्ट कीजिए ताकि मेरी नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।